आज हमारे कार्यक्रम सच्चाई में एक नई शख्सियत और नई पहचान के साथ मैं आपको रूबरू कराता हूं, मिस्टर राजेश कदम AITU में एम्प्लॉय से। नमस्कार। नमस्कार आदाब। आज AITU साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, दर्शकों को जानकारी दिलाना चाहता हूं कि आपसे हमारा पहला सवाल है, परिवहन के किन किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे समाज जागरूक हो और उनकी जिंदगियां बचे। जी अजय जी, जरूर। मूलतः जो 5 सुप्रीम कोर्ट ने नियम बताए हैं, वैसे तो सर्वप्रथम की रेड लाइट जंपिंग नहीं करनी है। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सीट बेल्ट और हेलमेट, जी सीट बेल्ट पहननी है और हेलमेट की आदत डालनी है, चाहे वो पिनियन हो अर्थात पीछे बैठने वाले हो या आगे चला। तीसरा, वाइन पी के गाड़ी नहीं चलानी है। तो चौथा जो इम्पोर्टेंट है, ओवर स्पीडिंग नहीं करना है। और जो महत्वपूर्ण जो 5 है, यदि दुर्घटना हो भी जाए जी, तो गुड सैनिटेशन के आधार पर, जैसे नेक आदमी कहते हैं, कि लगभग लगभग 1 घंटा हमारे पास गोल्डन आवर के नाम से मिलता है कि जिस जगह दुर्घटना हुई है और हॉस्पिटल तक 1 घंटे के अंदर अंदर उस यात्री को जो दुर्घटना हुई है उसको पहुंचा देंगे तो उसकी जान बचाई जा सकती है। जी, ये 5-6 चीजें हैं। और सामान्यतः तो ट्रैफिक के काफ़ी रूल्स हैं, काफ़ी नियम बने हुए हैं जिनसे बचना चाहिए। कि अपनी जैसे गाड़ी है, अगर आपके पास कमर्शियल गाड़ी है तो आपको 7-8 पेपर जो होते हैं, आपकी गाड़ी की फिटनेस है, परमिट है, उसका बीमा है, उसका टैक्स है, उसका प्रदूषण है, गाड़ी पे आगे पीछे रेड लाइट और टेप रिफ्लेक्टर जो होते हैं, पीछे लाल लगता है, आगे सफ़ेद लगता है और साइडों में जी पीला लगता है, तो वो भी होना जरूरी है। क्योंकि इस समय सर्दियां चल रही हैं तो सामान्य तो देखने में आया है लगभग 5% के आसपास से दुर्घटना बढ़ जाती है, कि पता ही नहीं लगता कि आगे गाड़ी कितनी तेजी से चल रही है या खड़ी है, तो वह भी बचाव का उसे बचा जा सकता है। जी, जिले में आपको बच्चा बच्चा कानून व्यवस्था के नाम से जानता है, आपके सामने कुछ समस्याएं भी आती हैं, वो कौन सी समस्याएं हैं जो आपके सामने आती हैं? सामान्यतः जैसे हम चेकिंग करते हैं तो प्रवर्तन कार्य के समय पर सामान्यतः कहते हैं कि साहब हमारा घर यहीं पास में है, हम अभी 2 मिनट निकले हैं। कोई कहता है हमारे डेथ के हम जा रहे हैं, कोई कहता है कि हम डेथ से आ रहे हैं, कि साहब कोई कहता है हमारे घर में आग लग गई है, कोई कुछ, मतलब इतने प्रकार के भानेबाजी है। परंतु सामान्यतः उसको कहते हैं हेलमेट लगा के निकलो ना, क्योंकि हेलमेट सर्दियों में सर्दी से तो बचाएगा ही बचाएगा और आपको आपका सर भी बचाएगा। इसी प्रकार से गर्मी में, क्योंकि अगर हम गर्म क्षेत्र में रहते हैं, अब जैसे हम लोग देहरादून का रहने वाला हूँ, तो वहां पर सब लोग इसलिए लगाते हैं कि बहुत अच्छी ठंड होती है तो उससे भी बचाव होता है, तो ठंड तो यहाँ पर भी होती है तो ठंड से भी बचाव होता है और गर्मियों में गर्मी से बचाव होता है। और ये हमें कभी पता नहीं लग पाता कि हम कब गाड़ी तेज चला रहे हैं। सामान्यतः स्पीड जो है, अब जैसे रोड की स्थिति अच्छी नहीं और आप 70-80 गाड़ी चला रहे हैं, कहीं गड्ढा है या कहीं ईंट पड़ी है या कहीं रेता पड़ा हुआ है, उसमें स्लिप हो गए और गिट्टी जरा सी आपके सर में लगेगी, तुरंत ब्रेन हेमरेज आपका हो जाए। इसलिए कहते हैं भाई हेलमेट पहनो। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट ने काफी प्रशमन शुल्क में बढ़ोतरी भी करी है, कि किसी न किसी प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाए। और जागरूकता में जब से हम आए हैं, हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, चाहे वो तहसील में हो, चाहे मैनपुरी जनपद में हो, चाहे अन्य किसी शहर के किसी और जगह हो, छोटे छोटे कस्बों में हमने सभी स्कूल्स कवर अप करे। क्योंकि हमारे जनपद में, जो मुझे अच्छे से याद है, लगभग लगभग 26 CBSE के स्कूल हैं, एक ICSE बोर्ड का स्कूल है और 490 भी कह सकते हैं 490 स्कूल्स
उत्तर प्रदेश शिक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के और 1623 स्कूल प्राथमिक पाठशाला है, जिसमें से एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, दो पॉलिटेक्निक है, 4 ITI हैं और एक इंजीनियरिंग कॉलेज और। तो इतने कॉलेजेज हैं, इतने महाविद्यालय हैं, तो इनमें सब में हम प्रोग्राम कर चुके हैं जी। और उसके बावजूद भी जो अपेक्षित बढ़ोतरी थी, अपेक्षित जागरूकता थी, वह जिले में अभी नजर नहीं आती है। अभी और कार्य करने की मैं आवश्यकता यह महसूस करता हूँ जी। जैसे आपने स्कूल की बात कही है, तो कहीं ना कहीं स्कूल के बच्चों और स्कूल को, जैसे स्कूल कैसे सुरक्षित रहे और बच्चे कैसे सुरक्षित रहे, किस तरीके का पालन करना चाहिए स्कूल को और बच्चों को? सर्वप्रथम तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जून 2019 में स्कूल के लिए बिल्कुल अलग से नियमावली ही बना दी पूरी, कि उसमें किस प्रकार से गाड़ी चलनी चाहिए, किस प्रकार से उसमें समिति होंगी। जिले स्तर पर 2 समितियां बना दी गई हैं, एक जिला विद्यालय परिवहन समिति है और एक विद्यालय पर विद्यालय परिवहन समिति है। तो विद्यालयों के बिल्कुल नियमावली अलग बना दी, और जो स्कूल की गाड़ी है वो हमेशा अपना परमिट रखें, फिटनेस रखें, और जो चालक है जी उसको इंश्योर करते रहें कि कभी वाइन ना पिए, उनके जो चरित्र है चरित्र का सत्यापन पुलिस के थ्रू करा लें, और जो लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी देखते रहें। और हमारे द्वारा आज के समय में उसमें GPS लागू कर दिया गया है, और हर एक स्कूल की गाड़ी में GPS मस्ट है, और हर एक स्कूल की गाड़ी में स्पीड लिमिट, स्पीड गवर्नर के नाम से जो है वह भी लगाना जरूरी है, क्योंकि जो गाड़ी स्कूल की गाड़ी खासकर है उसके लिए स्पीड लिमिट डिसाइड कर दी गई है सरकार द्वारा। प्रत्येक स्कूल की गाड़ी में स्पीड गवर्नर होगा। आने वाले समय पे हम स्कूल के लिए और जो है पैनिक बटन और उसमें VLTD मतलब व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाने की योजना है, और एक कैमरा भी लगाने की योजना है, जिससे कि अगर कोई लड़की या किसी छात्रा को कोई छेड़छाड़ी करता है, कुछ भी होता है, घर नहीं पहुंच पाती या सुरक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार से कोई और दिक्कत है या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, समय से सूचना नहीं पहुंच पाती, तो जो पैनिक बटन होगा वो इमीडिएटली पुलिस के पास चला जाएगा, बस बटाने दबाने भर की देर होगी। पैनिक बटन भी लगाने की व्यवस्था आने वाले समय में गवर्नमेंट करने जा रही है जी। बहुत आपने जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी। कभी कभी आपके बीच ऐसा भी होता होगा कि बाइक सवार या कार सवार, आपने चालान काट दिया, और चालान तो ऑनलाइन होता है, चालान आपने काट दिया और उसके पास पैसे नहीं है, ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? चालान अगर कटने के बाद में उसको बताया जाता है, अगर उसका कोई पेपर इम्पाउंड है तो ले लिया जाता है, कहते हैं कि कार्यालय में आ जाइए, इसको भुगत लीजिए। आप तो 100% ऑनलाइन है, उसके पास पैसे आप नहीं है ना, वो घर जाए 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद अपना ऑनलाइन पेमेंट कर दे, अपना रसीद दिखा दे कार्यालय से, अपना कागज वापस ले दे। जैसे कहीं पर भी उसका चालान होता है तो क्या मैनपुरी में अगर कटे या फिरोजाबाद में कटे तो उसका कौन सा कार्यालय होना चाहिए? फिरोजाबाद में अगर कटेगा तो ऑनलाइन तो कहीं से भी हो जाएगा, परंतु अगर उस प्रवर्तन अधिकारी ने पेपर रखा है फिरोजाबाद में तो वो कागज फिरोजाबाद से ही मिलेगा, मैनपुरी से नहीं मिल सकता। जब जब चालान काटते समय कुछ दस्तावेज जमा कर लिए जाते, एक कोई ना कोई एक दस्तावेज ले लिया जाता है सामान, जैसे कौन कौन से? जैसे RC है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, या उसका लाइसेंस है, या प्रदूषण है, या बीमा की कॉपी है, कुछ ना कुछ एक आध ले लिए जाते हैं। और अगर उसके पास कुछ भी नहीं है या गाड़ी लगता है फेक है या इस तरीके से ले जा रहा, तो मजबूरी में गाड़ी भी बंद करनी पड़ती है, कोई गाड़ी आप कोई भी कागज नहीं दिखा पा रहे तो कुछ तो दिखाइए। वैसे सामान्यतः आज की डेट में कागज की इतनी बाध्यता नहीं है, वो गाड़ी का जो नंबर पड़ा होता है उस पर जैसे हम टैप पे डालते हैं तो उसकी सारी डिटेल निकल के आ जाती है, तो हम उससे पूछते हैं कि ये गाड़ी किसकी है, किसके नाम है जी। और अगर लिखता है कि ये गाड़ी गलत नाम बता रहा है, ऐसा समझिए कि जैसे राम सिंह के नाम, और हमने पूछा भाई आपका नाम क्या, उसने कहा जी मेरा नाम विनोद है, उसे पूछा ये गाड़ी किसकी है, कि जी नहीं तो मेरे को तो पता नहीं है जी किसकी गाड़ी है, या उसने कोई और उससे अलग नाम बताया, तो फिर उससे बहुत क्वेरी करते हैं कि भाई गाड़ी किसकी है, आप बता दीजिए कहाँ से ली है, आपने कहाँ से खरीदी है, किस तरीके से खरीदी, किस डीलर से खरीदी, या आप लेके आए तो मांगने वाले को उनका नाम तो बता दीजिए जिनसे लेके आए हैं, तो ऐसा वेरिफिकेशन करते हैं। और अगर वो बताने में अक्षम रहता है, नहीं बता पाता, तो उस गाड़ी को निरुद्ध करके बंद कर दिया, क्योंकि फिर वो अनऑथराइज
इंटरफेरेंस, उन्होंने टेकिंग है, मतलब वो गाड़ी बिना उनके पूछे ले जा रहा है, हो सकता है चोरी की भी हो सकती है, तो इस उसमें फिर गाड़ी को बंद करना पड़ता है, निरुद्ध करना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा जानकारी दी, लेकिन आज के कार्यक्रम का अंतिम और मुख्य सवाल हमारा ये है कि तिराहे और चौराहों पर कभी कभी ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग के द्वारा आकस्मिक चेकिंग की जाती है, और उस समय किसी का चालान कटे या न कटे, वाहन चालक पे या उसमें बैठा कोई भी व्यक्ति, उस पर पैसे लगते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। इस तरीके से जो पैसे लिए जाते हैं उससे हमारी छवि जो है विभाग की धूमिल होती है, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे को 3.5 वर्ष हो गए, कभी भी कोई भी पैसा किसी भी गाड़ी वाले से नहीं लिया गया, जब से आए हैं चालान ऑनलाइन ही है, वो पेमेंट आपको कार्यालय में जमा करना है या ऑनलाइन ही जमा करना है, तो ऐसा पैसे की तो कोई बात ऐसा नहीं आई है, मेरे संज्ञान में तो नहीं आई है कि ऐसा कोई भी प्रकरण आया कि पैसे लिए गए हैं या पैसे फला व्यक्ति ने दिए, मेरे पास आज तक 3.5 वर्ष में कोई भी शिकायत नहीं आई है। तो हो सकता है आपके, परंतु नहीं आता हो डर की वजह से, अगर ऐसा आता है तो उससे बात करी जाए किस चीज के पैसे लिए गए हैं कैसे, वैसे सामान्यतः ऐसा है। वैसे जैसे ऐसा कोई करता है तो क्या करना चाहिए? बहुत फॉर्म बने हुए शिकायत करने की, शिकायत करें, उसमें सबसे पहले तो हम ही हैं जी, तो अगर हम ही चेकिंग कर रहे हैं तो हमें ही बताएं, वैसे तो सामान्यतः हमारे पीटीओ चेकिंग करते हैं और है तो ऐसा बताएं हमको, बहुत उसमें है, कंप्लेन है, IGRS है, हमारे 1800-1851 हमारे विभाग की भी हेल्पलाइन दी गई है, उस पर भी बता सकते हैं जी। हमारे बीच आए हुए कदम जी ने तमाम जानकारियां दी जागरूक करने के लिए, स्कूल को कैसे बचाया जा सकता है, बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बताया, विभाग की धूमिल छवि होने से बच जाने के रास्ते बताए। हमारे इस कार्यक्रम में सच्चाई जो कार्यक्रम है इसमें आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद जो